प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बचाव के लिए 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी है, लेकिन सरकार स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को ही मुफ्त में टीका देगी। झारखंड में 18 साल की उम्र से ज़्यादा की आबादी लगभग 2,10,46,083 है, जिसमें 38,28,349 हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस के लोग हैं। यानी 38,28,349 को सरकार मुफ्त में बूस्टर डोज का टीका देगी। इसके बाद 1,72,17,734 की आबादी को खुद बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। बूस्टर टीका के लिए निजी सेंटर पर ₹387 देने होंगे। यानी राज्य की इस आबादी को बूस्टर डोज के लिए करीब 666.32 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बूस्टर डोज के लिए चिन्हित स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल की उम्र से ज़्यादा के 38,28,349 की आबादी में 2,92,014 लोगों को बूस्टर डोज मिल चुका है। यानी हेल्थ वर्कर्स में 75,953 और फ्रंटलाइन वर्कर्स में 96,893 को बूस्टर डोज का टीका लगा है। वहीं 60 साल की उम्र के 1,19,168 की आबादी के लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। यानी 35,36,335 लोगों को बूस्टर डोज का टीका अभी भी देना बाकी है। बूस्टर डोज के टीकाकरण की गति अभी धीमी है, क्योंकि लक्ष्य के 8% का ही टीका लगा है। बिहार सरकार ने राज्य की करीब 6 करोड़ की आबादी को कोरोना के प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाने का ऐलान किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 6 करोड़ की आबादी को बूस्टर देने में अनुमानित 1,314.15 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया है, जबकि झारखंड में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और 60 साल के ऊपर के लोगों को ही मुफ्त में टीका देगी। बाकी लोगों को पैसे देकर वैक्सीन लेना होगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।